जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू शिंग। Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ash Rai, Golden Girl. तो मैंने आज ये क्रिएट किया है इंडियन फेस्टिवल लुक। आप ये किसी भी फेस्टिवल पे कैरी कर सकते हो ये लुक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैंने यहाँ पे ये रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है। देन यहाँ पे ये पाउंड्स का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे हम अपने स्किन पे। यहाँ पे ये मैंने सनस्क्रीन ली है, उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपनी स्किन पे। और ये है मेरा रेस्क्यू का प्राइमर, इसको भी लगा लेंगे। देन यहाँ पे मैंने ये आई बेस लिया है, अपनी आई को बेस करके तब मैं अपनी आई पे आई शेड लगाऊंगी। अच्छे से बेसिंग कर लेंगे, पाउडर से सेट कर लेंगे उसे। यहाँ पे मैं आई शेड ले रही हूँ, ब्राउन कलर का शेड है, इससे अपनी क्रीज बना लेंगे। क्रीज के ऊपर हल्का सा मैं कंसीलर करके देन यहाँ पे मैं आई शेड अप्लाई करूँगी, लाइट ग्रीन सा, लाइट ग्रीन हल्का सा एकदम कर लूँगी मैं। और मैंने लाइनर और ये ग्लिटर हल्का सा अप्लाई कर लिया था। यहाँ पे ये वाइट कलर लगाऊंगी मैं। उसके बाद नीचे लोअर लैश पे भी हल्का सा ब्लश वो लगा लूँगी आई शेड। देन यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे काजल हल्का सा लगा लूँगी। देन ये रेड करेक्टर है अपनी स्किन पे, जहाँ जहाँ आपको नीड हो वहाँ वहाँ पर आप करेक्ट कर लिए अपनी स्किन को। देन मैं यहाँ पे ये बेस लगा लूँगी। इसको मैंने ऑफ कैमरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया था अपने बेस को। इसके बाद पाउडर मदद से सेट कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं ब्लशर कर लूँगी। जी, मैंने मास्टर क्रोम का हाइलाइटर लिया है, मैं अपनी हाइलाइट कर लूँगी चिक्स, नोज एरिया, क्यूपिड बो एंड फोरहेड। ये कॉन्ट्योर से मैंने अपनी नोज़ को कॉन्ट्योर कर लिया है। देन उसको ब्लेंड कर लेंगे और नोज़ पे हाइलाइट कर लेंगे। अब मैं अपनी ब्रोज को स्पूली की मदद से कॉम कर लूँगी। देन अपनी शेड से उसको फिल कर लूँगी। ब्रोज फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज कोई लुक नहीं आएगा मेकअप में। मैं हल्का हल्का हाइलाइटर यहाँ पे लगा लूँगी अपने ब्रोज लाइन पे। यहाँ पे मैंने ये लिप पैलेट लिया है, नीचे से मैं अपने लिप पे हल्का सा लिप टिन लगाऊंगी। देन इस पर मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये मेरी ह्यूडा की लिपस्टिक है। और यहाँ पे ये मैं अपने लैशेस अप्लाई कर, मैंने ग्लू लगा लिया था। ओफो, ये स्टिक नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल होता है स्टिक करना। तो मेरा सूट भी बहुत
अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। यहाँ पे मैं दूसरी लैशेज में भी ग्लू लगा के रख चुकी थी। इसको भी अच्छे से अपनी रियल लैशेज से स्टिक कर लूँगी एंड देन फाइनली यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।